नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, आईबीएम टीवी9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं एशिया के सबसे बड़े बाजार मंडी में हूँ। आप देख सकते हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा APMC कलमना बाजार मंडी है। और यहाँ पे देख आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से गंदगी का आलम यहाँ पे है। ये देखिए किस प्रकार से गंदगी का आलम है। ये गंदगी देखिए, ये जो लोग हैं यहाँ पे जो आते हैं सब्जी मंडी में, जो आते हैं, किस प्रकार से उनको इस पानी से गुजरना पड़ रहा है। देखो, मैं दिखाना चाहूँगा आपको किस प्रकार से पानी से गुजरना पड़ रहा है। ये चाय वाले भैया देखो, चाय वाले भैया भी देखो किस प्रकार से जा रहे हैं। पूरा पूरा सब्जी मंडी, जो कलमना की जो सब्जी मंडी है, जो मार्केट है, यहाँ पे गंदगी का आलम है। सब्जी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, सब्जी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो कारण यही है, ये इसमें सुरक्षा नहीं होने के कारण सब्जी खराब हो रही और सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ये कैंटीन है, ये कलमना, ये जो कलमना है यहाँ की वो कैंटीन है। यहाँ पे जो लोग है वो देख रहे किस प्रकार से रुके हुए हैं। यहाँ पे बताऊंगा, यहाँ पे ये सब अड़तिया भी है, दलाल लोग है यहाँ के, जो यहाँ पे यानी मार्केट में सब्जी मंडी के एक अड़तिया भी है। देखो ये महिला, देखो किस प्रकार से पानी से गुजर रही है। बीमारी नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ कलमना में ये जो है ये गंदा पानी है और इससे बीमारियां फैल रही है। क्या नाम है आपका? रजनी बागरे। हर बार आती है यहाँ पे? लेकिन यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है, खाना पीने को बहुत तकलीफ आती है हमको। यहाँ पे पैर पैर सब जल। कब से यहाँ पे हुआ? बहुत सालों में, 35 साल। देखे ना आपने किस प्रकार से समस्या से जूझ रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और कुछ बताना चाहोगे आप, बताइए ना, तो बोलिए ना। हाँ हेलो, ये यहाँ पे बहुत काम पड़ा है लेकिन गंदगी है। कैसे आएंगे यहाँ पे मार्केट लेने? मार्केट भाई लोग ही सब आदमी लोग, यहाँ चिकल चिकल है इतना बड़ा। आप कोई समस्या है? निश्चित ही किस प्रकार से सब्जी लेने यहाँ पे लोग आएंगे, ऐसे कहना ही इस महिला का है। क्योंकि गंदगी के कारण सभी जो मार्केट में, ये APMC के जो मार्केट में आते हैं, वो सभी परेशान है। दलाल से लेके तो सब्जी मंडी में जो खरीदार जो आते हैं वो भी परेशान है। हमारे साथ में कुछ यहाँ पे ये देख सकते, यहाँ पे देख सकते ये सब यहाँ पे लोग है, यहाँ पे खड़े है, पानी में चाय का भी मजा ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। क्या नाम है आपका? गजानंद। क्या ये गंदगी दिखाई दे रही है यहाँ पे? काफी गंदगी है। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है ये तो हमारे क्या अध्यक्ष की गलती है ना, क्योंकि अपने घर में बैठे थे, दुकान में नहीं आते, लोग समस्या लेके जाते, उसकी समस्या हल नहीं होती। क्यों? तो अध्यक्ष के पास गए नहीं क्या आप? हाँ गए थे ना, क्या अपना काम करो बोले। और सचिव क्या बोलते? सचिव के पास तो नहीं गए थे, गए थे तो अपना उधर जाओ, सभापति के पास जाओ, सभापति अपने बताता। मैं और भी लोगों से बातचीत करूंगा। वो आप आइए, आप ये बताइए क्या तकलीफ हो रही है आपको? तकलीफ हो रही है, पूरा बनाना चाहिए ना इसको, काफी चिकल है। हाँ काफी चिकल ना, पूरा पैर पूरा चिकल हो जाए, पूरा मंडी तक आ रहे चिकल, घुटना घुटना तक के पानी यहाँ पे जमा है और मंडी तक के यहाँ पे पूरे मंडी में चिकल का साम्राज्य है। मैं बताना चाहूँगा और भी, ये देखो ये सब्जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा ये सब्जियाँ देखो किस प्रकार से रखी गई है और ये खराब होती है। ये रास्ते देखो, यहाँ पे रास्ते देखो, ये दिखाओ, ये देखो ये रास्ते की हालत, खस्ता हालत, यानी रास्ता है ही नहीं, खड्डे में रास्ता गया है कलमना का। मैं बताना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोलू लखेटे है। क्या नाम है आपका? गोलू चंदुला लखेटे। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे समस्या ये है कि हमाल को जाने के लिए तकलीफ है, बड़े बड़े गट्टे है और यहाँ रोड की सुविधा कुछ नहीं है और इतना कचरा है, इंसान नाश्ता नहीं कर सकता, पानी नहीं पी सकता। दवाखाने से कब आया? अभी मैं 2 दिन के बाद दवाखाने से आया। क्या हुआ था आपको? ये बुखार चढ़ गया था। क्यों बुखार चढ़ा था? नाश्ते उस्ते के कारण रहता, गंदगी के कारण रहता, तो रिएक्शन हो जाता, कुछ निकल जाता बदन के अंदर से, तो डॉक्टर को भी दिखाया तो थोड़ा मास्क लगा के रहो बोले, मार्केट में बोले आप लोग बोले तो मास्क लगाएंगे तो ही आप सेफ रहेंगे बोले। थोड़ा देखो, ये देख सकते, ये वेस्ट
जो सब्जी का जो वेस्ट है यहाँ पे फेंका जाता है, और यहाँ पे देखो पूरा ट्रे जो सब्जी जहाँ रखी जाती है वो ट्रे यहाँ पे रखे गए हैं। किस लाइन से रखे गए हैं, वो भी गंदगी में, वो भी पूरे गंदगी में। कितना गंदगी का आलम है यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा गंदगी गंदगी है यहाँ पे, चारों और गंदगी ही गंदगी है। ये मैं वो बाजार भी दिखाऊंगा, जो सब्जी मंडी है वो भी मैं कलम नाका दिखाऊंगा। ये थोड़ा इधर आइए, ये देखो, ये बाथरूम है, बाथरूम है, लेकिन बाथरूम की हालत देखो, ये बाथरूम है, यानी यहाँ पे जो सब्जी मंडी में लोग रहते हैं उनके लिए बाथरूम है ये, लेकिन बाथरूम की हालत देखो किस प्रकार से है यहाँ पे। और ये देखो, ये पूरा ये नजारा देखो, चारों तरफ एशिया का सबसे बड़ा ये बाजार मंडी है, कलमना बाजार मंडी, लेकिन इसकी हालत देखो आप किस प्रकार से है। समस्या ही समस्या यहाँ पे बरसात के दिनों में ही नहीं तो साल भर यहाँ पे समस्या से जूझते हैं यहाँ के अड़तिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं और भी, हम उनसे बातचीत करेंगे। कुछ ये देखिए, ये रास्ता दिखाइए थोड़ा, ये रास्ते की हालत देखो, ये रास्ते की हालत देखो किस प्रकार से, किस प्रकार से यहाँ इन इस रास्ते की हालत है। ये देखो, ये मैं आपको ये सीन दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये गंदगी देखो, ये अड़तिया जो रहते हैं, दलाल जो रहते हैं उनकी गाड़ियां यहाँ पे लगती है, और यहाँ पे वो दलाल लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे आज तक के समस्या का हल नहीं किया गया। बरसात का दिन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख बब्बू है। क्या यही बैठते हो क्या? मेरी दुकान है 124 नंबर, मेरी टमाटर की गाड़ी यहाँ लगती है, और ये आने जाने का एक ही रास्ता है। यहाँ से बहुत दिक्कत होती है ट्रैफिक की, और यहाँ गंदगी देखो कितना है, यहाँ बैठती है, मच्छर काटते है, मैं 3 दिन में एडमिट था। और हमने जो हमारे अध्यक्ष को चुन के लाया है, ये कोई सुनवाई नहीं करता है। उसको 50 बार बोला मैंने, यहाँ के अपने को आके चुनाव करो, कैसा करो, देखो माल पूरा गंदगी है। वो आता है, बोलता है, देखेंगे, बात करेंगे, कुछ बहुत बोलता नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सरोदय साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा सरोदय साहब, आप क्या बताना चाहोगे? आप भी एक अड़तिया हो, दलाल हो यहाँ के कलमना के, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है ये। कैसा है, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन इन्होंने ये मार्केट को एक हास्यपद बना के रख लिया है। इन्होंने खुद की एक दुकानदारी खोल के रखी है, एक ये कुछ ही लोग है जो ये ट्रस्ट चला रहे हैं और खुद की दुकानदारी खोल के रख ली है। और ऐसा है कि इन लोगों को बार बार हम लोगों ने हाथ जोड़ के, अड़तिया बंधु ने जाके हाथ जोड़ के जो समस्या बताई उसका निवारण इन्होंने नहीं किए। इनको ऐसा लगता कि ये लोग यहाँ के बाप है, लेकिन कैसा होता है, एक गवर्नमेंट होती है, एक सिस्टम होती है। आज जो सचिव को बोल के आया हूँ कि आज अगर आपने 2 दिन में काम नहीं किए तो हम प्रशासक से जाके मिलेंगे। आप सचिव से मिलेंगे क्या? आप सचिव से मिले, हम सचिव को मिल के बताए कि आपको भी ताला ठोकेंगे, आपको भी काम नहीं करने देंगे, उसके बाद प्रशासक से मिलेंगे, प्रशासक अगर हमारा काम नहीं करता है तो उसके बाद पनन मंत्री से मिलेंगे, माननीय अब्दुल सत्तार जी से। कैसे काम नहीं होता है, कोई वहाँ तक आवाज ही नहीं जाती, इनके काला बाजार वहाँ तक जाता ही नहीं है। लेकिन हमने पूरी तैयारी कर ली, अड़तिया बंधुओं ने अभी सबसे पहले तो यहाँ के जो जिनको भरोसे के ऊपर चुनवा के लाके दिए थे, अड़तिया बंधुओं ने अपने भरोसे के ऊपर एक अध्यक्ष चुना जाता है, सबसे पहले तो उन्होंने भरोसा तोड़ा हुआ है, इसलिए सब अड़तिया बंधु उन पर रोष है, उनके ऊपर रोष है कि तुम इस्तीफा दे दो। उसके बाद यहाँ के अड़तिया बंधुओं की सबकी ये तैयारी है कि हम जाके पनन मंत्री माननीय अब्दुल सत्तार जी से मिले और यहाँ का पूरा वीडियो सहित जो क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो सब उनको विस्तार से बताए, और फिर उनके बाद उनको फैसला सुनने के लिए हम तैयार रहेंगे। आपका नाम बताइए। सुनील विश्वनाथ निपाने। इतने गंदगी में भी आप काम कर रहे हो, क्या बताओ? क्या करे भैया, हमने जिसको हमारा नेता चुने थे वो भरोसा ही नहीं हुआ उसका, और ना ही कोई काम कर पा रहा है, क्या करे। अब उसने हमारे को मजबूर कर दिया है कि यहाँ गंदगी में बैठो और यहाँ की गंदगी अपने घर लेके जाओ। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या ये, प्रशासक के पास जाएंगे नहीं तो कोई काम कैसा होगा। मांग क्या है आपकी? मांग क्या, हमारे को अच्छी सुविधा मिले, रास्ते बन के मिल जाए, हमारे दो गिराक रास्ते अच्छे बनेंगे तो दो गिराक ज्यादा बढ़ेंगे, वो किसी का विचार ही नहीं हो रहा, हम कैसा ये करेंगे बताओ। ये गंदगी के कारण एक गिराक नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, हमारा व्यापार टूटते जा रहा है, इसके तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। क्या क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या सारी चीजें की है, समस्या सबसे पहले रोड की समस्या है, दूसरी
शौचालय नहीं है, एक शौचालय में लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है, एक टाइम पे शौचालय करने जाए तो उसको आधा से पौन घंटा समय लगता है, लैटरिन बाथरूम करने जाए उसको दबा के खड़ा रहना पड़ता है, उतने समय में वो विचार करता है यहाँ कह को खड़े रहूंगा घर निकल जाओ, दो चार गिराए कैसे खत्म हो गए तो लोग क्या खरीदने आएंगे बताओ। दूसरी बात रोड है, पानी की समस्या है सबसे बड़ी, पानी ढंग से नहीं मिलता, रोज हमारे को 300-400 रुपए का बिस्लेरी का बॉटल खरीद के पीना पड़ता, अब बताओ एक गिराक 400-500 रुपए कमाएंगा वो 100-150 रुपए पानी के पीछे खर्चा करेगा क्या, पानी की समस्या है। दूसरी बात हमारे को कैशबैक की कोई सुविधा नहीं है, बाकी जगह देखो एटीएम लगे हुए, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, पैसे लेके जाते कुछ अनहोनी हो जाए इसकी गारंटी कौन ले। हमने आपको पूरा नज़ारा कलमना का बताया है, कलमना मार्केट का बताया है, एशिया का सबसे बड़ा ये मार्केट है और किस प्रकार से गंदगी है ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे शौचालय है लेकिन नहीं के बराबर है, कितना गंदा शौचालय है, यहाँ पे गंदगी कितनी फैली है, ये सब हमने आपको दिखाया, ये दृश्य हमने लाइव दृश्य आपको दिखाया है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो कलमना प्रशासन जो अध्यक्ष और सचिव है वो जिम्मेदार है, ऐसे कहना यहाँ के अड़तिया दलालों का, जहाँ पे दलाल अपने यानी जो सब्जी भाजी रहते है उसको बेचते है वहाँ का भी नज़ारा हमने बताया है। अभी हम APMC जो कार्यालय है वहाँ का भी हम नज़ारा आपको बताएंगे। हमने आपको APMC जो कलमना बाजार है वहाँ की गंदगी बताया, लेकिन APMC जो कार्यालय है प्रशासकीय कार्यालय वहाँ पे कितनी सफाई है हम बताएंगे। देखो यहाँ पे हरियाली हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पे गंदगी दिखाई नहीं देती। खास बात यह है कि यहाँ पे जो APMC का जो प्रशासकीय कार्यालय है यहाँ पे गंदगी नहीं दिखती, लेकिन जहाँ पे अड़तिया है वहाँ पे गंदगी दिखती, जहाँ लाखों की तादाद में जो यानी यहाँ पे जो किसान आते हैं और जो खरीदार करने वाले जो आते हैं यहाँ पे लाखों की तादाद में आते हैं, आपको हमने वो सीन भी दिखाया कि वहाँ पे किस प्रकार से समस्या है। लेकिन आपको फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा कि APMC प्रशासकीय कार्यालय पे ये देखिए किस प्रकार से सफाई है, हरियाली चाहिए, और जहाँ बेचारे दलाल और अड़तिया जी जो रहते हैं जहाँ पे यानी मार्केट है वहाँ पे गंदगी का आलम है। APMC में क्या समस्या है ये हमने आज उसका जायजा लिए, और मैं बताना चाहूँगा कि APMC जो है नागपुर की उसके जो सचिव है हम उनसे भी मिले, यहाँ पे क्या समस्या है और समस्या का निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है इस संदर्भ में हमने उनसे पूछे सचिव से, लेकिन सचिव साहब ने हमसे बात करने से इनकार किया। कुछ जो अड़तिया है जो यहाँ के कलमना बाजार के जो अड़तिया है वो यहाँ पे सचिव साहब से मिले, उनके क्या चर्चा हुई हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मैं शरद सरोदे, कलमना मंडी अड़तिया। क्या समस्या है कलमना बाजार में? कलमना बाजार में गंदगी की काफी समस्या है। ये लोग तो जो APMC का ऑफिस है आप देख रहे होंगे ACO में बैठते हैं, और ये ACO में बैठ रहे किसके कारण, जो हमारे अड़तिया बंधु सेस भरते हैं, जो ये APMC चल कैसे रही है, हमारे अड़तिया बंधु एक एक अड़तिया दो दो ढाई ढाई तीन तीन लाख रुपए सेस भर रहे हैं। लेकिन आज देख लो आप हमारी सब्जी मंडी की हालत देख लो, आप अनाज मंडी में देखो, अनाज मंडी में इन लोगों ने अच्छे रास्ते बना के रखे सीमेंट के रास्ते, वहाँ गंदगी का नामो निशान नहीं है, और वहाँ बाथरूम कितने बनाए, टॉयलेट बाथरूम अच्छी सुविधा दी है, लेकिन इन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया सब्जी मंडी वालों के साथ, भाजी मंडी वालों के, जबकि भाजी मंडी बोले तो आज जनता के बीच में अगर ये भाजी मंडी आज हम अगर ऐलान कर दे एक दिन के लिए भी हम बोल दे बंद है, तो जो सब्जी 20 रुपए मिलने वाली है वो सब्जी 100 रुपए का रेट हो जाता है। हम जनता के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहते। हम भी काफी दिनों से जूझ रहे जो गंदगी में हम लोग व्यापार कर रहे हैं, आज एक एक दलाल 5-5 लाख रुपए की 3-3 लाख रुपए की 10-10 लाख की गाड़ी बुलाता है, परंतु उनकी दुर्दैव इतना खराब है, उनको पेट बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए और उनको छोड़ो, लेकिन जनता के लिए वो जो सेवा कर रहे हैं वो गंदगी इतने महंगे का माल गंदगी में खड़े रह के बेच रहे। कितने यानी कलमना बाजार में कितने दलाल हो गए जो सब्जी मंडी के है? सभी बताइए। टोटल वैसे 450-500 दलाल है हमारे कलमना मंडी में, और जो व्यापार कर रहे हैं आज देखो आप खुद एक बार कैमरा घुमाओ
कि सत्यता कलमना मंडी की क्या है। हमने देखे ना, हमने देखे समस्या, जितना कीचल और उतने यानी एक हैजा बीमारी जो बोलते हैं उसकी, मेरे को लगता है कि हमारे जो सब्जी मंडी के अड़तिया बंधु है उनकी एक सुपारी ले चुके हैं ये लोग कि उनको हैजा होना चाहिए और उनको बीमारियां होना चाहिए, और इन लोगों ने एक पर्याय व्यवस्था निकाले उसमें कि ये दलालों को बीमारियों से त्रस्त करके इनको इतना परेशान करो कि ये त्रस्त होके ये दुकान छोड़ के चले जाए, हम नए नए लाइसेंस करें और लाइसेंस के माध्यम से हम लोगों से पैसा ले, लाखों से अपनी संपत्ति जमाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे एक प्राइवेट संस्था, यहाँ पे जो एक प्राइवेट संस्था है तो इनके पास अधिकारियों के पास कार कहाँ से आई है? आप सचिव से मिले हैं, कलमना बाजार के एपीएमसी के सचिव से मिले, आपकी क्या चर्चा हुई उनके साथ? सचिव के साथ हमने चर्चा की, इससे चार दिन पहले हम सचिव के साथ मिले थे, उनको सोचकर बताए थे, हमने उनको बोले थे कि आपको भी चलना पड़ता या तो हम एपीएमसी में ताला ठोकते हैं जब तक हमारी समस्या दूर नहीं होती। तो उन्होंने आदेश दिए थे सह सचिव को, उन्होंने आदेश दिए, उन्होंने केदार साहब को आदेश दिए, उन्होंने बागड़े जी को आदेश दिए, जो अधिकारी है यहाँ का जो पूरा देखरेख करते हैं कलमना मंडी की, उन लोग हमारे साथ जब चले तो उन लोगों की ये व्यवस्था हो गई थी कि पैंट ऊपर कर रहे थे। कुछ लोगों ने नारे ये लगाए कि आज तो इनका तलाक होना जरूरी है क्योंकि ये लोग एसी में बैठने वाले, गंदगी में रहने वाले नहीं, अगर ये कीचलों में जाएंगे वहां की बदबू साथ में लेके जाएंगे तो इनके घर वाले रहेंगे क्या इनके साथ। लेकिन आज हमारा दुर्दैव है दलालों का कि हमारे को यही गंदगी में अपने घर में जाना पड़ता, अपने परिवार से मुंह छुपाना पड़ता और पीछे के दरवाजे से जाके जैसे कोरोना काल में हम जाते थे। ये बताइए सरोदय साहब कि ये दलाल यहाँ पे रहते हैं और दलालों की काफी समस्या है और अभी यहाँ पे बारिश के कारण काफी गंदगी फैली हुई है, कितने दलालों को बीमारी से जूझ रहे है? हाला स्थिति में ऐसा हुआ कि ना ये समझो कि 50% तो अभी दलाल वहां पे अभी बुखार, किसी को डेंगू, किसी को मलेरिया, इससे तबीयत से जूझ रहे, इसी के कारण दलालों में एक लहर उठी, जो दलालों के ऊपर अत्याचार हो रहा, दलालों ने जिसको चुन के दिए अध्यक्ष को, आप देख सकते 3 दिन पहले 4 दिन पहले कलमना मंडी में इतना रोष था उन दलालों का, अड़तिया बंधु का ये नारा लगा कि अध्यक्ष हटाओ सब्जी मंडी बचाओ, ये यहाँ पे नारा लग चुका है। और आपके माहिती के लिए बता दूं कल एक मीटिंग रखा है अध्यक्ष ने जिसमें जो अड़तियाओं के समस्या जो आज तक सॉल्व नहीं कर पाया तो उसको लिपापोती करने के लिए, लेकिन आपको बता दूं कल भी ये जो समस्या है ये मिली भगत है, जितने दोषी ये अधिकारी है एपीएमसी के उतना ही दोषी अध्यक्ष है। अध्यक्ष बोले तो पालनहार होता है, उसका काम होता है कि समस्या क्या क्या, दलालों को क्या क्या समस्या, अड़तियों को क्या क्या समस्या, उसका निराकरण करना, अपने सामने कचरा दिख रहा तो उसको आदेश लगाना कि ये कचरा क्यों है, लेकिन वो खुद अपने टाइम से आते हैं, वीआईपी बन के सफेद कपड़े पहन के आते हैं, वीआईपी बन के अपने ऊपर जाते हैं, नौकर चौकर से काम करते हैं, बाप दादाओं के जमाने से काम चल रहा है, लेलैंड है, परंतु जो दलाल स्वयं काम करते हैं उनकी परेशानी है कि कीचड़ों में काम करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने, हमने एक निर्णय लिया है सब अड़तिया बंधु ने कि अभी हमें ऐसा अध्यक्ष नहीं होना जो एक अड़तिया बन के काम नहीं कर सकता, जो कीचड़ों में नहीं रह सकता और जो वीआईपी जिंदगी जीना चाहता है, तो हमने अड़तियों ने क्या करना, हमने क्या मरना, अपने परिवार को क्या कगार पे लाना बीमारियों के, इसलिए उसको बहिष्कार कर दिया हमने अध्यक्ष का और कल उसको बदलने का निर्णय ले लिया। मैं बताना चाहूंगा कि कलमना बाजार जो एपीएमसी नागपुर का जो बाजार है यहाँ पे, यानी अभी बरसात का दिन है और काफी समस्या है, सब्जी मंडी में तो सबसे ज्यादा समस्या है और 400 के ऊपर यहाँ पे अड़तिया है जो दलाल है उनको इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, बीमारी का शिकार हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां उनको घेर रही है, इसके बारे में सचिव से मिले ये सब दलाल अड़तिया जी, लेकिन सचिव ने भी उनकी सिर्फ समस्या जानी है लेकिन समस्या का निराकरण नहीं कर पाए, कब तक कि इस समस्या का निराकरण नहीं कर पाएगी एपीएमसी? अभी जो अध्यक्ष है, जो दलाल जो होते हैं वो अध्यक्ष को चुनते हैं लेकिन उसके बावजूद अध्यक्ष भी एसी में बैठते हैं, ऐसी हमें इन अड़तियों ने बताया, दलालों ने बताया, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं कर पाते। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारा वीडियो अगर अध्यक्ष और सचिव तक के पहुंच रहा है तो जल्द से जल्द इन समस्या का निराकरण एपीएमसी के सचिव और अध्यक्ष ने अध्यक्ष करें। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज WHNews। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।